समान दूरी पे 10 बाई 10 इंच की दूरी पे ये बुआई कर दिया जाता है। और ये इसका मैंने पौधे से पौधे की दूरी भी 10 इंच रहता है और प्लांट से प्लांट की दूरी भी 10 इंच रहता है। इसे एक लाइन में जो है सीधी लाइन में सीधी बुआई जो है इससे हो जाती है। इसमें इस विधि से सबसे फ़ायदा ये है कि एक घंटा में ये जो है 1 एकड़ जो है इसका बुआई जो हम 2 आदमी के मदद से जो है इसको कर सकते हैं। और ये अभी जैसा कि परिस्थिति बदल रही है, रोपनी के समय अक्सर देखा जाता है कि श्रमिकों की कमी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अगर हम पैडी ट्रांसप्लांटर का उपयोग करते हैं तो हमको श्रमिक का भी बचत होता है और समय का भी बचत होता है। और जो भी अगर किसी कारणवश अगर हमको लेट हो जाता है तो उस पर भी हम जो इस विधि से 15 दिन का बिचड़ा लगाकर अपने समय को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर धान रोपाई मशीन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बचत का सौदा है। मैट नर्सरी उगाना और धान रोपाई मशीन चलाना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आसान है। यह हैरानी की बात नहीं है कि अनुसंधानिक वैज्ञानिक और परीक्षण संस्थानों धान रोपाई मशीन एक मजदूर दोस्त और मेहनत कम करने वाला मशीन है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसकी खरीदी के लिए कृषि यंत्र व उपकरण योजना अंतर्गत अनुदान उपलब्ध है।